कुछ ऐसी मूवीज थी जिनको यार मैं नहीं देख पाया थिएटर्स में, फिर सोचा कि जब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी उनको मैं वहीं पर ही देख लूंगा, चाहे वो अमेजोन के चाहे वो नेटफ्लिक्स पर। लेकिन एक अफसोस था कि यार ये जो मूवीज थी, कुछ चुनिंदा मूवीज थी जिनको थिएटर्स में देखना बनता था, जैसे कि महाराजा मूवी होगी, द गॉट लाइव मूवी हो गई, इनको मैं थिएटर्स में देखना चाहता था लेकिन मिस हो गई। खैर, इनको मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखकर खत्म कर लिया। महाराजा का रिव्यू कर चुका हूं, द गॉट लाइव मूवी का रिव्यू जो है मुझे वो भी करना है। फिलहाल कुछ ऐसी मूवीज भी थी जिनको मुझे लगता है कि यार शुक्र है कि मैं इनको थिएटर्स में नहीं देखा, इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही देख लिया, क्योंकि काफी ज्यादा इन्होंने मुझे सरदर्द दिया। और उसी एक तरीके की मूवी है जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं, यानी लव लाइज ब्लीडिंग मूवी के बारे में, जिसको आप अमेज़न के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट के आसपास है। अब इस मूवी का जो नाम है लव लाइज ब्लीडिंग, अब इस जो मूवी के अंदर जो दिखाया गया है ऐसा इसके अंदर कोई भी तालमेल आपको देखने को नहीं मिलेगा कि क्या इसमें प्यार देखने को मिलेगा, क्या इसमें ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला है। मतलब पता नहीं क्या सोच कर क्या समझ कर उन्होंने ये नाम रखा है। मूवी अच्छी है या बुरी है इस पर जाने से पहले इसकी जो कहानी है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो एक जिम मैनेजर होती है जिसका नाम होता है लू, मतलब जो नॉर्थ इंडिया के अंदर हवा जो गर्म चलती है ना उसको हम लू कहते हैं, वैसी एक नाम है लू, जो एक जिम मैनेजर होती है। और ये एक लेस्बियन है, ऑब्वियसली लेस्बियन यानी जो लड़की लड़की को पसंद करे। और इसको एक लड़की जिसका नाम जैकी होती है, जो इसकी ही जिम में आती है, जो बॉडी बिल्डिंग करती है, और उसको कॉम्पिटिशन लड़ना होता है कि भाई आने वाले टाइम में जो कॉम्पिटिशन होने वाला है किसी शहर के अंदर, ऑब्वियसली मुझे याद नहीं आ रहा, खैर शुक्र मैं उसको भूल चुका हूँ, वहां पर जाके वो कॉम्पिटिशन लड़कर उसको जीतना चाहती है। अब जैकी भी इससे प्यार कर बैठती है लू से। अब दोनों की जो प्यार भरी जो मोहब्बत है वो लाइफ है, वो आने वाले टाइम में जैकी को किस तरीके की मुसीबत में डालती है, क्योंकि जो लू की जो फैमिली है वो क्रिमिनल है, ऑब्वियसली उन्होंने काफी ज्यादा बुरे काम कर रखे होते हैं। तो जैकी उस माहौल में फंस के रह जाती है। अब वो कैसे अपने आप को बाहर निकाल पाती है, या फिर लू उसकी कैसे हेल्प करती है, दोनों की रिलेशनशिप कैसे आगे चलते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब तो आपको जब आप ये मूवी देखोगे तभी पता चलेगा। तो ये हो गई इस मूवी की कहानी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी में क्या क्या अच्छा है। अब क्या अच्छा है ये सच में कहूं मेरे लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा है कि मैं इस मूवी में कुछ अच्छी चीजें ढूंढूं कि यार मुझे इसमें क्या देखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज जो मैं कहता आ रहा हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे अच्छी बात होती है कि आपको कोई भी मूवी पसंद नहीं होती तो आप उसको स्किप करके देख सकते हैं। तो एक बढ़िया ऑप्शन मुझे लगता है कि जो है यहां पर, आप यहां पर जब मूवी में देखेंगे कुछ चीजें आपको कुछ क्या बहुत सारी चीजें आपको पसंद नहीं आएंगी, लेकिन एक स्किप का ऑप्शन आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, आगे बढ़ा दो। और इसके अलावा जो एक कैरेक्टर है जिसका नाम है कैटी ओब्रेन, जिनकी परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है, और वही एक कैरेक्टर है जो इस मूवी को सहनीय बनाते हैं, आप इसको देख पाते हैं। कुछ कुछ सीन इस मूवी के अच्छे हैं, लेकिन वो तभी अच्छे हैं जब कैटी ओब्रेन का जो कैरेक्टर है वो सामने आता है, मतलब कि जैकी जो कैरेक्टर वो आपको देखने को मिलता है। क्योंकि यहां पर जो बॉडी बिल्डिंग को लेकर जो भी एक सप्लीमेंट दी जाते हैं, कोई नशे पदार्थ दिए जाते हैं जिससे एक बॉडी बिल्डर पर क्या क्या असर पड़ता है, उसके मानसिक पर, उसके शरीर पर, वो जैसे रिएक्ट करती हैं वो काफी बढ़िया है। और जब आप मूवी देखोगे, एक मूवी देखने के बाद आपके दिमाग में कोई जो छाप छोड़ जाएगा वो कैटी ओब्रेन का कैरेक्टर, यानी कि जैकी का कैरेक्टर है, वो आपको याद रहेगा कि हाँ यार इनकी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रही है। वो एक चीज कह सकता हूँ कि जो पूरी ओवरऑल मूवी के अंदर मुझे अच्छी लगी है। इसके अलावा मूवी में मुझे कोई भी ढंग की चीज नहीं लगी। अब बात करते हैं इस मूवी में क्या क्या कमियां हैं, जो बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो LGBTQ कम्युनिटी के जो इसमें दिखाया गया है, कि जितना भी मैंने देखा LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर आधारित जो मूवी है, लेस्बियन के ऊपर, गे, इनके ऊपर जो भी मूवी दिखाई जाती है, इनमें बस यही देखने को मिलता है कि ये सिर्फ जिस्म के भूखे होते हैं। ऑब्वियसली आप इस मूवी को देखेंगे बस यही देखने को मिला है कि लू को बस 1 या 2 सेकंड लगते हैं जैकी को देखकर उसको पसंद करना, और तुरंत उसके जस्ट तुरंत, ऐसा नहीं कि अलग सीन दिखाएंगे, लेकिन वहीं का वहीं उसको शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाना, वो चीजें देखने को मिलती है यार। मतलब मुलाकात सही ढंग से हुई नहीं है, लेकिन जो चीज जरूरी है वो तो करनी ही है। खैर, अब कहोगे कुछ लोग कि यार तू तो यार LGBTQ कम्युनिटी से नफरत करता है। अरे मैं नहीं नफरत करता यार, मुझे क्या लेने देना इन लोगों से, जैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं जियो यार। और जो लू का कैरेक्टर इसके अंदर देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा बोरिंग है, बहुत ज्यादा आलसी है। मुझे लगता है कि यार जो मेकर्स हैं इस मूवी के, उन्होंने लू का कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो डिप्रेसिंग में है, एक तरीके से दुख में है, दर्द में है, क्योंकि उसके मतलब कि पास्ट में जो चीजें हुई हैं, उसके पिता के साथ जो उसकी अनबन हुई है, जिस कारण वो सही से जी नहीं पा रही है, जो मुझे लगता है कि मेकर्स ने ऐसे दिखाने की कोशिश की। लेकिन एक्चुअल में आप जब लू के कैरेक्टर को देखते हो तो आपको फील होता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा आलसी है, इसे हिला तक नहीं जा रहा, इसे चला नहीं जा रहा है, ये इतनी ज्यादा डल हमारे सामने आती है, तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है। और इवन इतना ज्यादा बोरिंग होता है कि आप उसको देखोगे नींद आने लग जाएगी। फिर आपने जो एक प्यार मोहब्बत की जो चीजें दिखाई है उसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं बनता कि लू और जो जैकी के बीच में रिलेशनशिप आप दिखाने की कोशिश करते हो वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं लगता, उसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं आता, कोई भी इमोशन
इमोशनली वो आप नहीं होते उसके अंदर कि हाँ यार कितना प्यारा, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ देखकर घिन जरूर आती है। और जो इस मूवी की कहानी है, जो एक्चुअल में है नहीं, आप मान लीजिए इस मूवी में कोई तो कहानी रही होगी, उससे बेटर कहानी तो यार फिफ्थ क्लास का कोई बच्चा लिख देता। मतलब क्या कहानी लिख रहे हो यार, कोई मतलब इतनी वाहियात, इतनी एवरेज से भी नीचे उसकी कहानी है। मतलब बंद तो कर रहा है आप लोगों को बताऊं उसके अंदर जितने इतने ज्यादा बेकार बेकार जो सीन है या फिर बिना सर पैर की चीजें डाली गई हैं, लेकिन फिर वही बात आपको होगी कि स्पॉइलर दे रहे हो। इसके अलावा जो मूवी का बेड़ा गर्क करती है वो इस मूवी की एंडिंग होती है। वो क्या था यार, मतलब क्या सोच कर वो चीज डाली गई है। कोई भी नशा फूंक कर बैठे हो तो थोड़ा महंगा नशा फूंक लो ना, जिससे कि आपको नींद आ जाए। ये जो सस्ते नशे फूंकते हो उससे दिमाग काम करता है नहीं, नींद आती है नहीं, तो बस कुछ भी अनशन लिखे जा रहे और वही बना दिया मूवी। मतलब जनता इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी, बस समझ रखा है कि जनता इतनी ज्यादा बेवकूफ हो गई है, कुछ भी दिखा दो, बिना सर पैर की चीज दिखा दो, लास्ट में ये सब चीजें देखने को मिल रही है। वो इतनी ज्यादा वाहियात है, इतनी ज्यादा घटिया तरीके की एंडिंग की गई है। मतलब इस पूरी मूवी को मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत ठीक चल रही थी उसको और ज्यादा बेड़ा गर्क कर देती है इसकी एंडिंग। मेरी तरफ से देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 2 out of 10। दो नंबर भी मैंने इस मूवी को इसलिए दी क्योंकि एक जो कलाकार है केटी ओब्रेन, उन्होंने काफी बढ़िया काम किया है। उनकी जो छाप है वो वाकई में जब आप मूवी एंड करते हो तब आपको उनको लगता है कि हाँ इन्होंने बढ़िया काम किया, ऐसा फील होता है यार। उनके बिहाफ पे इनको 2 नंबर दे रहा हूँ। बाकी मूवी में ना कहानी है ना कोई रिलेशन है, वही एलजीबीटी की कम्युनिटी का धक्के से प्यार का वो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। उनको देखकर वाकई में वो सब चीजें अजीब सी लगती है, घिन सी आती है। बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि यार बच्चों को ऐसी चीजें दिखानी भी चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि बच्चों इनसे दूर ही रहे, जो पेरेंट्स हैं इन तरीके की से इस तरीके की मूवी से बच्चों को बहुत ज्यादा दूर रखे, क्योंकि उनके मानसिकता पर बहुत ज्यादा गंदा प्रभाव पड़ता है। और वैसे इस मूवी के अंदर न्यूडिटी भी है, तो इस लिहाज से भी बच्चे जो हैं इस मूवी से दूर हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और नहीं देखा है तो मेरी तरफ से तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं करने वाला इस तरीके की मूवीज को। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।